सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुकेश मिल्स, इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो अक्सर भूतिया या हॉरर फिल्म्स शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहां पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1982 में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जल के राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन तब से ये जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता। एक बार की बात है, मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर झुमको पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर वो झुमके देखने लगी कि तभी उसकी असिस्टेंट प्रिया ग्रीन रूम में आ गई। प्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह एक जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वो झुमके पहन रखे थे। प्रिया डर के मारे चिल्लाई तो उस हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। अब प्रिया को उस शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। प्रिया को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से उस फिल्म के सेट पर लाइट जलबुझ होने लगी। थोड़ी देर फ्लिकरिंग के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। प्रोडक्शन असिस्टेंट श्याम अपने एक साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और बादल जोरों से गरज रहे थे। जब श्याम और वो दोनों मुकेश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन श्याम बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल श्याम को दिखी, जिसे देखकर वो सुन सा पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर श्याम को देखे जा रहा था। इतने में श्याम के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वो आदमी गायब हो गया। श्याम बिना किसी को कुछ बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया हो। तभी उसका शरीर भी अकड़ने लगा और अचानक से उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन के असिस्टेंट प्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। प्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लिटाया और उसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। श्याम, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, वो डरा डरा मुकेश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वो रो रही है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची। तब उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक उठी। उसने देखा कि वो हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है
जिसे उसने अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ले रखी थी और वो पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उसने सारे पेपर्स फाड़ दिए और उन्हें खाने लगी। ये सब देखकर प्रिया कांप उठी और जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा, क्या वो आज की शूट कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन उसकी असिस्टेंट अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वो उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वो झुमके फिर से दिखे। उसने जैसे ही वो झुमके अपने हाथ में लिए, उसे वो औरत फिर से शीशे में ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। वहां से निकलते ही उस हीरोइन की तबीयत एकदम ठीक हो गई, लेकिन वो प्रोडक्शन का लड़का पूरी तरह से पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने उस मिल में जाकर अपने आप को जला डाला। वो जली हुई झुमके वाली औरत, या वो रोती हुई बच्ची की गूंज, या वो सिगरेट पीता डरावना आदमी, ये सब कई बार कई लोगों ने महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार मुकेश मिल्स में नाइट ड्यूटी करते हुए एक गार्ड ने उस मिल्स के अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें सुनी। ये बहुत अजीब था क्योंकि उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और ना ही मिल्स के अंदर कोई भी इवेंट था। उस रात उस गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो उसे काली परछाई दिखी। वो उसे देखकर इतना डर गया कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी। और तो और, वहां एक बार एक 10 साल की लड़की शूटिंग करते समय अचानक से बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने पहले तो एक मर्द की आवाज में सबको वहां से भाग जाने के लिए कहा और फिर अपने हाथों के बल उल्टा होकर चलने लगी और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। ये देख सब लोग वहां से जल्दी से निकल गए। जैसे ही उसके पिता उसे उस मिल से कुछ दूर लेकर गए, वो एकदम नॉर्मल हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुकेश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहां ऐसे कई राज छुपे हैं, लेकिन मुकेश मिल्स का सच कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।